एवरीबॉडी, वेलकम टू मिड लाइफ हॉलीडेज। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है मनाली का। आज मैं आया हूँ लाहौल स्पीति वैली के एक गाँव में जिसका नाम है शिशु वैली। अटल टनल क्रॉस करके 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स से पड़ता है और आप देख सकते हो यहाँ कितनी स्नो है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी पूरी मिलेगी आपको। सो गाइज, हम इस समय लाहौल स्पीति रीजन में है। ये मनाली से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है जिसमें 9.02 किलोमीटर जो है अटल टनल को क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद 6 किलोमीटर चले, 6 या 8 किलोमीटर और यहाँ शिशु वैली में हम आ गए। वेदर इज़ वेरी वेरी गुड, चारों तरफ स्नो ही स्नो है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इतने सुंदर माउंटेन्स हैं और स्नो कवर्ड हैं कि आप लोग यहाँ हो गए तो आपका दिल यहीं खो जाएगा। आपको मन नहीं करेगा जाने के लिए, लेकिन इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 3 या 4 बजे के आसपास, डिपेंड करता है वेदर पर। आज वेदर बहुत अच्छी है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ स्नो है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। तो प्लीज़ यहाँ पर जब आएँ तो अपना ज़रा डंगरी वगैरह और शूज़ वगैरह पहन कर आएँ और ये कैप भी लगा लें, क्योंकि है ना घर जाकर प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है कि आप अपना प्रिकॉशंस ले लें और रम हो तो प्लीज़ उसका यूज़ भी कर लें। सो गाइज, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आकर आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। आपको अगर यहाँ पर आके कुछ फूड एंजॉय करना है आप लोग यहाँ मील ले सकते हैं। यहाँ पर ऑमलेट मैगी 50 रुपीज़ के अप्रोक्स मिल जाती है। वॉशरूम अवेलेबल है 10 रुपीज़ फॉर एवरी पर्सन। और यहाँ पर आप आकर स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं। दिस प्लेस इज़ नोन फॉर स्नो एक्टिविटीज़। और यहाँ जो स्नो आपको मिलेगा वो मनाली का बेस्ट स्नो होगा, फ्रेश स्नो है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सॉलिड स्नो होता वो नहीं है, आसपास आप जाओगे तो पाउडर स्नो आपको अवेलेबल होगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी मनाली आएँ, सो इसका डिस्टेंस जो है लगभग 31-35 किलोमीटर के अप्रोक्स रहता है, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और ये काफ़ी नाइस प्लेस है, बट एक प्रॉब्लम है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर के अटल टनल खुला है या बंद है। तो आप कैसे पता करेंगे? लाहौल स्पीति पुलिस का एक फेसबुक पेज है जिस पर वो रोज़ अपडेट देते हैं कि आज अटल टनल बंद है, आज अटल खुला है, 2 व्हीलर्स अलाउड हैं, 4 व्हीलर्स अलाउड हैं या 4x4 अलाउड है। तो ये डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ आ सकते हैं। सो अगर वेदर ख़राब है, बादल है, तो केवल 4x4 गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। और जैसे आज आप देख सकते हैं स्काई जो है वो ब्लू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कोई भी व्हीकल आ सकता है इंस्टीड ऑफ 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स इसलिए अलाउ नहीं है, रात को यहाँ स्नो रहता है, थोड़ा मेल्टेड वाटर आ जाता है रोड पे, तो वहाँ पर गाड़ियों के स्किड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अटल टनल आना है और बाइक से आना है तो उसके आप साउथ पोर्टल पर आ सकते हो, नॉट नॉर्थ पोर्टल। मतलब आप अटल टनल को क्रॉस नहीं कर सकते। सो नॉर्थ पोर्टल तो आना पॉसिबल नहीं है, साउथ पोर्टल तक आके फ़ोटो खिंचवा कर आप जा सकते हो। बाइक से भी यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, पुलिस यहाँ आने नहीं देगी आपको। सो रिकमेंड करूँगा, ये प्लेस अच्छा प्लेस है, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही स्नो है, तो जब भी मनाली आओ ये प्लेस ज़रूर घूमना। अगर आप लोग हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो हमारे मैनेजर मिस्टर चिरंजीत ठाकुर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैकेज लेना है तो भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ घूमना है, मिलना है हमसे, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। सो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में लाइफ हॉलीडेज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।